नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। डेंगू बिहार पर कहर बनकर टूटा है। डेंगू का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और डेंगू को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या वो दूसरे राजनीतिक दलों के नेता हों, चिराग पासवान हों। अब डेंगू को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। कल रात को वो पटना के NMCH अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल में उन्होंने जायजा लिया। हालांकि डिप्टी CM तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में पहले स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक भी हुई और समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने कई निर्देश भी दिए हैं। और उसके बाद अचानक तेजस्वी यादव मरीजों का हाल जानने के लिए अगमकुआं NMCH पहुंच गए। NMCH में तेजस्वी यादव को देखते ही मरीज के परिजन शिकायत लेकर पहुंचने लगे और वहां मरीज मौजूद परिजनों ने अपनी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखी। तेजस्वी यादव ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिले और वही अस्पताल परिसर का निरीक्षण भी किया। जब जाहिर है बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के डिप्टी CM, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव NMCH में थे, आम लोगों ने उनसे अस्पताल की कुव्यवस्था की शिकायत की। आम लोगों ने कहा बहुत कुव्यवस्था है और तेजस्वी यादव ने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा आधी रात को वो पटना के PMCH अस्पताल पहुंच गए थे और PMCH अस्पताल के साथ साथ कई दूसरे अस्पतालों में भी पहुंचे थे आधी रात को और दोषी अधिकारियों के खिलाफ, लापरवाह कर्मियों के खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।